आलम है कि इस दौर का इतना बहादुर मुजाहिद, इतना बड़ा लीडर इस वक्त मौत के मुंह में उसको रखा हुआ है, और वहाँ से उन्होंने अपनी आखिरी वसीयत जो है अपनी बहन के हाथ जो है वो दुनिया तक पहुँचाई है कि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मेरी कोई बात नहीं सुनी जा रही है, मेरे ख़िलाफ़ हर दम यक तरफा फैसले किए जा रहे हैं, डेथ वारंट्स इशू किए जा रहे हैं, मुझे ऐसी मौत कबूल नहीं है कि मैं झुक जाऊँ दुश्मन के सामने, मैं बहादुर हूँ, मैं एक शेर हूँ, मैं नहीं मानता इन फैसलों को। वो अपनी ज़िंदगी में भी, अपनी जेल की ज़िंदगी में भी, इस वक्त भी जो उन्होंने अनाउंस किया है 1 अप्रैल से फास्ट ऑन टू डेथ, जो उन्होंने भूख हड़ताल करनी है जब तक कि वो मर ना जाएं, ये उन्होंने जो बात कर दी है ये कोई मामूली बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान जो है इससे तबाही की तरफ चला जाएगा। पहले भी पूरी दुनिया में जो आफतें आ रही हैं, मगर ये सिंबल था इस पुरअमन सोल्यूशन का। सारी कश्मीरी कौम ये समझते हैं अगर ये एक यासीन मलिक को दबा देंगे तो करोड़ों यासीन मलिक पूरी दुनिया से निकलेंगे, हिंदुस्तान को मुंह दिखाने का मौका नहीं मिलेगा, अपने आप को मुंह छुपाता रहेगा। अभी भी जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, कुछ सबक सीखें इंसानियत के लिए, अभी तक दुनिया जो है खामोश है, देख रही है, तमाशा देख रही है, पूरी दुनिया इस वक्त कर्फ्यू में चली गई है। सोचने की बात है ये क्या हो रहा है दुनिया के साथ, क्या हम सब लोग वर्ल्ड कॉन्शियस जो है वो डेफ और डम हो गई है कि समझते हैं कि सिर्फ हम लोग सेफ रहे, हम लोगों ने हैंड सैनिटाइजर्स लिए, हम लोग साफ रहे तो सारी दुनिया साफ रहेगी, या पूरी दुनिया हिल गई है, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है। और इस वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर को इस वक्त भी लॉकडाउन में रखा हुआ है, पूरे हिंदुस्तान की वहाँ पर आर्मी है, पूरे मुल्क से आई हुई है, उनके अंदर भी जो सोर्सेज बता रही है कि कितनी कोरोना वायरस फैली हुई है, मगर कश्मीरी कौम का क्या कसूर है? शुरू से उनको जिस तरह नज़रबंद किया हो, कैद किया हो, उनके सारे हकूक छीने हुए, उनको तो बहुत पहले ही एक डीप स्लम्बर और एक डेथ वारंट इशू कर लिया, खासतौर पर 5 अगस्त के बाद।